हम हृदय से अभिनंदन करते हैं, हृदय से स्वागत है माननीय प्रधानमंत्री जी आपका, बहुत बहुत स्वागत है माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय राज्यपाल उत्तर प्रदेश श्री राम नाई, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ, माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह तथा सभी गणमान्य सम्माननीय महानुभावों मेहमानों का हम हृदय से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। नया उत्तर प्रदेश भारत के नक्शे में तेजी से विकास नक्षत्र की तरह उभर रहा है। ऊर्जा और उमंग अब उत्तर प्रदेश के संग हो चली है। तीन बड़ी नदियों के पावन प्रदेश उत्तर प्रदेश में आज फिर विकास की गंगा बहने को तत्पर है। उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करने के लिए हमारा निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ से कि कृपया माननीय प्रधानमंत्री जी को शॉल भेंट करें, उनका स्वागत करें। उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से आदर भावना सहित, ये लखनऊ की चिकनकारी कला है जो उत्तर प्रदेश की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी को भेंट की गई, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। और अब हम आग्रह करते हैं औद्योगिक विकास मंत्री उत्तर प्रदेश माननीय श्री सतीश महाना से कि कृपया स्वागत उद्बोधन दें। आज के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी यहां पर उपस्थित हैं, मैं उनका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। हमारे प्रदेश के महामहिम राज्यपाल आदरणीय श्री राम नाईक जी, जिनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश प्रगति के पथ के ऊपर बढ़ रहा है, जिनके मार्गदर्शन में हम सबको काम करने का अवसर मिला, ऐसे परम श्रद्धेय हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज, इस देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय श्री राजनाथ जी, हमारे दोनों उप मुख्यमंत्री आदरणीय श्री दिनेश जी, आदरणीय श्री केशव जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित देश और दुनिया के लब्ध प्रतिष्ठित सम्मानित उद्यमीगण इंडस्ट्रीज बंधु, इस कार्यक्रम में उपस्थित सम्मानित भाई और बहनों, उत्तर प्रदेश एक इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ बढ़ने की शुरुआत जिस समय यूपी में हमारी सरकार 7 मार्च 2017 में बनी थी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकता में इंडस्ट्रीज थी। पहले इंडस्ट्रीज के बीच में और सरकार के बीच में एक डिस्कनेक्ट था, हमारी सरकार आने के बाद वी हैड ए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द इंडस्ट्रीज एंड द गवर्नमेंट, और उस नाते से आदरणीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर पूरे दुनिया और देश के अंतर्गत एक संदेश गया कब उत्तर प्रदेश महत्वपूर्ण डेस्टिनेशन हो सकता है इंडस्ट्रीज के लिए। और उसकी शुरुआत आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस समय यूपी इन्वेस्टर्स समिट 21 और 22 फरवरी का हुआ था, तब मैंने कहा था कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी आपकी उपस्थिति से हम सब लोगों को प्रेरणा मिलती है, ऊर्जा मिलती है काम करने के लिए, और वो ऊर्जा और वो प्रेरणा 5 महीने के अंतर्गत ही 60,000 करोड़ रुपये के इंडस्ट्रीज में तब्दील होती हुई आज यहाँ पर दिखाई पड़ रही। मान्यवर, आपके निर्देश पर आपने जो दिशा दी है, उत्तर प्रदेश ने अपनी कार्य संस्कृति में बदलाव लाए, हम कार्य पद्धति में बदलाव लाए। पहले इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के छोटे से अधिकारी से मिलने के लिए इंडस्ट्रीज को बहुत परेशानी होती थी। मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि किसी भी इंडस्ट्रीज को मुख्यमंत्री जी से मिलना हो तो हम 24 घंटे में उनकी भेंट करा सकते हैं, और हमारे विभाग का हर अधिकारी तत्परता के साथ इस मिशन को आगे ले जाने के लिए तैयार है। मान्यवर, हम इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2017 लेकर आए, उसके कारण भी इंडस्ट्रीज ने एक विश्वास जगा कि अब उत्तर प्रदेश में हम जा सकते हैं, और उसके साथ ही हम इतने कम समय में मान्यवर हम 21 सेक्टोरियल पॉलिसीज लेकर आए, विभिन्न विभागों के लिए संबंधित जो जिस सेक्टर के अंतर्गत अपनी इंडस्ट्री लगाना चाहता है उसके लिए एक अपनी पॉलिसी है, जिसके कारण वो आकर्षित होकर आज यूपी में आ रहे हैं। मान्यवर, हमारा संपर्क इंडस्ट्रीज से लगातार बना हुआ है और बड़ी संख्या में निवेश आ रहे हैं।
आज जो इस कार्यक्रम को कर रहे हैं माननीय, इसके साथ ही पाइपलाइन में बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रीज के योजनाएं हैं जो कुछ प्रोसीजरल कारणों के कारण उसमें थोड़ा सा समय लग रहा है। मुझे विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम एक दूसरा इससे बड़ा इन्वेस्टर समिट करेंगे और माननीय प्रधानमंत्री से विनम्र निवेदन करेंगे कि उनका आशीर्वाद और उनकी उपस्थिति हम सब लोगों को उसमें मिले। माननीय, आपने पिछले इन्वेस्टर समिट में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की घोषणा करी थी, माननीय रेल मंत्री जी ने रेलवे इंडस्ट्रियल पार्क की घोषणा करी थी, हम उसके ऊपर भी पूरी मेहनत के साथ, पूरे योग के साथ और इंडस्ट्रीज के साथ लगातार हमने इन 5 महीनों में लगभग 7 ऐसे डिटेल्ड सेशंस किए हैं जिसमें इंडस्ट्रीज को और हमारे PSUs जो हैं डिफेंस के, उनके साथ हम लोगों ने बैठकर बातचीत करी है। मुझे विश्वास है कि अगले समिट में हम बहुत बड़ी संख्या के अंतर्गत इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को, डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को मूर्त रूप लेते हुए देख सकेंगे। मैं पुनः एक बार हृदय से माननीय प्रधानमंत्री जी का विनम्रता के साथ, आदर और सम्मान के साथ उनका स्वागत करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं और सभी उपस्थित भाइयों और बहनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद माननीय श्री सतीश महाना। आज औद्योगिक निवेश की सुगंध से, संभावनाओं से सुवासित है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश आज अभूतपूर्व औद्योगिक उत्थान के द्वार पर बंधनवार सजाए नए औद्योगिक युग का स्वागत कर रहा है। अपने पूरे समर्थन और पूरे सहयोग के साथ आज हमारे बीच देश की जानी मानी औद्योगिक हस्तियां भी उपस्थित हैं। हम सभी उत्सुक हैं उनके उद्गार जानने के लिए। सबसे पहले हम आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन श्री कुमार मंगलम बिरला से निवेदन करते हैं कि कृपया अपने उद्गार रखें। Good afternoon, Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, Honorable Chief Minister Yogi Adityanath ji, Honorable Ministers from the center and from the state, senior officials of the government of Uttar Pradesh and distinguished guests. It is my complete privilege to be here today at the groundbreaking ceremony of major investments made in Uttar Pradesh. More so with our charismatic and dynamic Chief Prime Minister Shri Narendra Modi ji in our midst. He is for us an icon. India as a nation has made remarkable progress under his leadership, as we all know. Our growth is notable and the respect that India has garnered globally in so short a time is indeed nothing short of outstanding. Modi ji is admirably supported in the task of placing India in the forefront of emerging economies by committed leadership in various states. UP is one of the most known states for its economic and social development. Our heartiest congratulations to the Chief Minister Shri Yogi ji for his foresight and his leadership. Yogi ji has been and continues to be a champion of inclusive growth. At the same time, he has been, in the very short time of his tenure, very proactive to industry. His government has created a very enduring, welcoming environment. They have been business enablers. I believe in the ease of doing business reforms. UP has scored an impressive 92.87%. Congratulations. UP has been for us, Aditya Birla Group, one of our star investment destinations. We have a very long-standing relationship dating back to the 1950s, when my great-grandfather, Shri G.D. Birla, set up Hindalco, a metals major. And from then, there has been no looking back. The sheer scale and diversity of our investments in this state speak volumes about how we view the state's attractiveness as an investment destination. All of our major companies have huge investments here, such as Hindalco, Ultratech, Birla Carbon, Grasim, Idea Cellular and Aditya Birla Capital. Up until now, our investments have been in excess of ₹24,000 crores. Between Hindalco and Ultratech, we have 15 manufacturing plants in Uttar Pradesh. We have provided employment so far to about 40,000 people.
Besides this, over 100,000 people are gainfully employed in ancillary and small-scale industries that supply to us. All of our businesses are also poised for growth. We have earmarked an investment of about 25,000 crores in UP, most of it for expansions in our cement business, chemical business, and financial services business. Today, at this groundbreaking ceremony, signaling investments already committed by corporations in Uttar Pradesh, I am pleased to share with you that UltraTech's investment of 7,000 crores at its cement plants at Bara and at Dala have already been flagged off. I take great pride that the Aditya Birla Group has been ranked the number one investor in Uttar Pradesh. With our additional 25,000 crores outlay for the next 3 years, we believe that we will continue to be the largest investor in the state. Our aspiration is always to be in the prime position here. I would also like to take this opportunity to mention that the welfare of the underprivileged is always of deep interest to us. So apart from business, we are engaged in nearly 400 villages, reaching out to more than 1 million people. Here we work to make a difference to the lives of the underprivileged. We have our CSR projects in healthcare, education, the girl child, sustainable livelihood, and infrastructure. In sum, let me assure the government of Uttar Pradesh that we will continue to participate actively in the state's growth. I look forward to the Honorable Chief Minister delivering on the dreams and aspirations of the people of Uttar Pradesh, and I reaffirm that we will always be in step with the state's transformational journey. Thank you. बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। अब हमारा आग्रह है श्री गौतम अडानी, फाउंडर एंड चेयरमैन अडानी ग्रुप आपसे कि कृपया अपने उद्गार प्रकट करें। Honorable Prime Minister of India, Sri Narendra Bhai, His Excellency, Governor of Uttar Pradesh, Sri Ram Naik Ji, Honorable Chief Minister of Uttar Pradesh, Sri Yogi Adityanath Ji, Honorable Union Home Minister, Sri Rajnath Singh Ji, Honorable Ministers, all dignitaries, captains of industries, and friends. I am honored to be invited back here in UP today for the groundbreaking ceremony following a very successful UP Investor Summit in February 2018. It is unprecedented and remarkable that a state government has been able to translate the intent into actual investment of more than rupees 60,000 crores in just 5 months following the investor summits. The formal launch of 81 projects in presence of Honorable Prime Minister reflects his strong commitment towards the development of Uttar Pradesh and the relentless hard work and skillful leadership of Honorable Chief Minister Sri Yogi Ji. Needless to say, the UP Investor Summit was a glorious success. In the summit, our Honorable Prime Minister had put forward an ambitious challenge to the government of Uttar Pradesh. Can UP be the first state to become a trillion-dollar economy with India's increasingly competitive and cooperative federal environment? While stunningly bold and visionary, the fact that over 1,000 MOU worth of staggering rupees 4.3 lakhs crores were signed at the UP Investor Summit is a testimony of the ripple that has today becoming a tsunami. Fulfilling the aspiration of 17% of our nation's population, the good governance, progressive reforms, and proactive approach
of the government of Uttar Pradesh are best reflected in UP score of ease of doing business jumping from 84 to 93, the greatest increase among the major states in just 12 months. Uttar Pradesh is a state of countless possibilities and is rapidly transforming under the leadership of Sri Yogi Ji. Honorable Prime Minister, it appears that your vision is well on track to become a reality in the near future. Today, we have come together to reflect on the passionate development spirit of the government of UP, which is yielding fast results. Our confidence in the state and its progressive actions are revealed in the Adani Group signing MOU worth ₹36,500 crores at the UP Investor Summits in February 2018. The proposed projects are expected to create nearly 1.9 lakhs employment opportunity in the state, fulfilling the aspiration of the young state. I am pleased to state that we have kick-started one of the most ambitious projects we promised to execute. Adani Transmission has been awarded a transmission project worth rupees more than 2,500 crores through a tariff-based competitive bidding. These systems, once constructed, we evacuate 2,000 megawatt of power from Ghatampur thermal power plant and serve the load center at places including Kanpur, Agra, Hapur and Greater Noida. It is estimated that the project will employ about 3,000 people during the construction phase. We are confident we will complete the project well ahead of the scheduled timelines of March 2021. We have committed to establish a multimodal logistic park, thermal as well as solar power plant, solar park, roads, highways and expressway, metros, integrated food complex and silo terminals for food grains towards the strong and holistic development of the state. All these projects are progressing well and getting the required support from the government of Uttar Pradesh. Adani Group further looks to contribute through CSR activities towards skill development and quality education in the state. In conclusion, India's youngest and most populous state, the youth of UP is the new India. I want to congratulate our Honorable Prime Minister and the government of UP for their untiring efforts to fulfill the aspiration of this young state. It is indeed an honor for me to be here on this significant milestone of the state, and for us, as the foundation of our ambitious project is being laid by the Honorable Prime Minister. On behalf of the Adani Group, I promise we will stay fully committed to do our part in making Uttar Pradesh one of the top investment destinations in our country. Thank you. Jai Hind. बहुत बहुत धन्यवाद आपका चेयरमैन एमेरिटस एसएल ग्रुप श्री सुभाष चंद्रा से अब हमारा अनुरोध है कि कृपया अपने विचार रखें परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री मोदी जी राज्यपाल आदरणीय राम नायक जी राजनाथ सिंह जी मुख्यमंत्री योगी जी उत्तर प्रदेश के सभी मंत्रीगण सभी अधिकारीगण मेरे सभी उद्यमी साथियों उपस्थित सभी भाइयों बहनों मेरे मीडिया के साथियों
हमारे ग्रुप के एसएल ग्रुप के 90 वर्ष होने की समय 2016 में हम लोगों ने एक प्रधानमंत्री जी और उस समय के राष्ट्रपति जी के सामने एक वादा किया था कि उस समय के बाद जो भी काम करेंगे, नया बिजनेस करेंगे, तो या तो उसमें कोई सामाजिक हित हो, एनवायरमेंटल हित हो, देश का हित हो, या एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो, उन्हीं कामों में हम लोग आगे बढ़ेंगे। मुझे आज ये कहते हुए खुशी है कि हमने 2017 में हमारा 5 वर्ष के कुछ प्लान बनाए आगे काम करने के। उसके अनुसार लगभग 9 लाख एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का हम लोगों का ध्येय बना है, और कुछ न कुछ अगर भगवान ने साथ दिया तो उसको 10 लाख तक की संख्या तक ले जाने का प्रयास करेंगे। 21 फरवरी को यही लखनऊ में जो हमने 22,500 करोड़ रुपए का नियोजन करने का एग्रीमेंट्स किए थे, उसमें भी लगभग 1,30,000 जॉब क्रिएशन का एक प्रावधान हमने रखा था। आज एक समस्या हम लोगों ने देखी पूरे देश भर में ही, लगभग देश भर में 6 लाख के लगभग ई रिक्शा आ चुके हैं, लेकिन फिर भी वो रिक्शा चलाने वाला जो मजदूर है उसको, क्योंकि लेड बैटरी से वो रिक्शा चलाता है, तो फिर भी वो केवल 10 घंटे तो उसको लगते हैं उस बैटरी को रिचार्ज करने के लिए। केवल वो 300 से 400 रुपए की मजदूरी कर पाता है उस रिक्शा से। हमने उसका एक हल सोचा कि उस लेड बैटरी को लिथियम आयन बैटरी से बदला जाए, जिससे कि उसको उस बैटरी को रिचार्ज करने में भी 1 घंटा से ज़्यादा लगे, और अगर उस बैटरी को रिप्लेस कर दे हम तो 4 मिनट में वो रिक्शा वापस चला सकेगा और अपनी आमदन 400 रुपए से बढ़ाकर लगभग 600 से 700 रुपए कर सकेगा। उत्तर प्रदेश सरकार के साथ जो अभी आज ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में हम लोगों ने 25,000 ई रिक्शा और एग्रीगेशन के रूप में 25,000 ऑटो रिक्शा का जो आज ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में 1750 करोड़ का प्रावधान है, उसमें हम लोग लगभग 50,000 लोगों को रोजगार दे सकेंगे और अच्छी आमदन से वो लोग काम कर सकेंगे। क्योंकि ऑटो रिक्शा में भी एक समस्या आई हम लोगों के सामने कि ई व्हीकल के हिसाब से अगर ऑटो रिक्शा इलेक्ट्रिक बैटरी का बनता था तो उसकी कीमत 1.5 गुना हो जाती थी। उसको भी हमने प्रयास करके कीमत जो आज 3-व्हीलर ऑटो रिक्शा की ऑटो रिक्शा मैन्युफैक्चरर्स के साथ मिलके काम करके उसको केवल 40,000 रुपये का डिफरेंस पर लेके आ चुके हैं। उससे मैं समझता हूँ कि हम जो एग्रीगेटर के रूप में काम करेंगे और सरकार परमिट जो रिक्शा चलाने वाला है चालक उसी को देगी, और 5 साल के बाद वो ऑटो रिक्शा भी और ई रिक्शा भी हम चलाने वाले के नाम ही कर देंगे, उसी की मिल्कियत दे देंगे, इस प्रकार का हमने योजना बनाई। और जिस प्रकार से आदरणीय योगी जी की सरकार ईमानदारी से बड़ी जल्दी की काम से काम कर रही है, मुझे लगता है कि हमारे बाकी जो काम 22,500 करोड़ रुपए के पूरे तो करेंगे ही, उससे भी आगे बढ़ाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। इसके साथ ही आपने हमें यहाँ बुलाया,
इज्जत मान दिया उसके लिए आभारी हैं, धन्यवाद, जय हिंद जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद श्री संजीव पुरी MD ITC लिमिटेड, आपसे हमारा निवेदन है, कृपया अपने विचार प्रकट करें। Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, His Excellency Governor of UP Shri Ram Naik ji, Honorable Chief Minister Shri Yogi Adityanath ji, Honorable Ministers, Distinguished Guests, Ladies and Gentlemen, Good afternoon. It is indeed a privilege to have the opportunity to speak to this august gathering. Honorable Prime Minister, you have been a source of tremendous inspiration to all of us in ITC. Your vision and boundless energy is ushering in a new paradigm of socio-economic growth in the country. Under your stewardship, India has emerged as the fastest growing economy. We believe that the best is yet to come. In the last 4 years, we have seen numerous transformative interventions under your leadership. The benefits of that are already visible, and over time, all these are going to propel India into a much higher trajectory of economic growth. Honorable Chief Minister, may I also compliment you for ushering in a climate of change in the state of Uttar Pradesh. Business confidence is substantially improved. The UP Investor Conference that was held in February this year is indeed, the success of that is indeed a testimony to your efforts. The investor-friendly policies and the natural advantages that the state has in terms of scale, location, rich agri-resources, access to proximal markets like the NCR region and the eastern India truly make Uttar Pradesh a compelling investment destination. ITC has a deep and long relationship over several decades with the state. We have a growing footprint across all the three sectors of the economy, agriculture, manufacturing and services. In the tourism sector, our hotel in Agra, the ITC Mughal, and there are four other hotels under the Fortune and Welcome Heritage brand. We have a factory, state-of-the-art factory in Saharanpur, and 19 co-packing units which we have developed with local entrepreneurs for the manufacture of our FMCG products. Encouraged by your vision and the tremendous support and encouragement we have received from your team, in the last summit we announced the setting up of a large integrated food processing facility near Lucknow and a logistics hub in Ghaziabad. These entail an investment of 1,000 crores. I wish to thank you, Honorable Chief Minister, and all your senior team for the tremendous support we have received in progressing this project. I think without their support, we would not have made so much progress indeed. It has been ITC's philosophy to embed societal value creation as part of its corporate strategy. And food processing is one industry that provides a great opportunity to do so. We seek to create inclusive, competitive, and sustainable agri value chains. Our agri business division works in 50 districts in Uttar Pradesh. We empower 12 lakh farmers through 2,000 e-chopals and 28,000 chopal pradarshan khets. So it's a combination of digital and physical infrastructure, and over time our engagement through these vehicles will only deepen as we progress with our investments in food processing in the state. Energized by your vision, to Honorable Prime Minister, to double farm incomes, we launched a pilot initiative in the state of Uttar Pradesh called Bara Mahine Haryali and reached out to 2 lakh farmers who we engage with in the wheat value chain for our Ashirwad Atta brand.
I am happy to report, Honorable Prime Minister, that 30,000 of such farmers have actually reported doubling of farm incomes. The balance who have adopted part of the package of practices have reported anywhere between 30 to 70% improvement in farm incomes. And we have received similar experience in the potato value chain. Our subsidiary Technico Agrosciences works with farmers in enhancing productivity and quality of potato and migrating farmers to chip stock, which has less volatility in prices and better realization. We have seen appreciable improvement in farm incomes there as well. Some time back, ITC entered the packaged juice segment. A lot of packaged juice in the country is actually made out of concentrate, which is imported into the country either directly from sources where it's cheaply available or taking advantage of the regional free trade agreements. We took a decision early on that we shall make juices only out of pulp sourced from Indian farmers. And we started this intervention about a year and a half back, and I'm happy to report to you today that our entire range of B natural juices is made from pulp sourced from Indian farmers. It's not from concentrate range, which is also more nutritive. And in this context, I wish to also mention that in the state of Uttar Pradesh, we have commenced high density guava plantation and high productivity jamun plantation on marginal lands. Our forays into the fruits and vegetables, which is a area of paramount concern for farmers, as there is a huge amount of wastage in that chain which deprives the farmers of their potential earnings, is going to be accelerated over time. One of the challenges is developing a low-cost, climate-controlled infrastructure. We intend to do that using renewable energy and leveraging the infrastructure of our integrated food processing facility. We're going to undertake a pilot project shortly, and once we have perfected it, we shall also integrate it with the food processing facility in the state of Uttar Pradesh. In addition to that, in line with our CSR policies, we engage in community development activities around our agri value chains and our manufacturing facilities around women's empowerment, livestock development, skilling, sanitation and health. And we have the privilege of signing up with the municipal corporation in Saharanpur for solid waste management of the entire city. On behalf of ITC, Honorable Chief Minister, I wish to thank you and your team for your tremendous support and would like to reiterate our commitment to partner with you and your team in your journey of economic transformation. Thank you, ladies and gentlemen. बहुत बहुत धन्यवाद जनाब यूसुफ अली सीएमडी लुलु ग्रुप से अब हमारी गुजारिश है कि कृपया अपने विचार रखें हॉनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी हॉनरेबल गवर्नर हॉनरेबल चीफ मिनिस्टर श्री योगी आदित्यनाथ जी Honorable Rajnath Singh Ji, Honorable Home Minister, Honorable Cabinet Ministers, Government Officials, and Captains from various industries. Known for his book of prophecies has said that yellow race will inherit the earth. Our country has gained a lot under the dynamic leadership of our Honorable Prime Minister. Due to the personal relations of our Honorable Prime Minister, with all world leaders, the respect of India and Indians, especially non-resident Indians in the country where they are staying, has greatly increased all over the world. I have myself witnessed the untired works of our Honorable Prime Minister in different countries. This hard work is our future generation. We are grateful for the very strong personal relation of our Honorable Prime Minister maintains with His Highness Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan,
Crown Prince and Deputy Supreme Commander of the United Arab Emirates Armed Forces, where we are based since 1966 for a period of 52 years. Before, NRIs were facing a lot of problems to invest in India due to the farsightness of our Honorable Prime Minister. The restrictions of the NRI investment were removed. The government has declared that NRI investment will be treated as domestic investments. This is the reason why the group is investing heavily in our country. I am interacting with NRIs in 23 countries where we have our business operation. I am happy to say that this is the mood of NRIs everywhere. They are now happy to invest back in our country. Our core business, shopping malls and hypermarkets, and we have got 151 shopping malls and hypermarkets spread in the Middle East, Far East and India. In India, we have constructed the biggest shopping mall with the biggest hypermarket in my home state, Kerala. I am happy to say that 6,000 people are working in this shopping mall now, and more than 10 crore visitors, including the domestic and international tourists, have visited our mall up to March 2018. When we decided to construct a state-of-art shopping mall in Uttar Pradesh, we selected the historical city of Lucknow. We acquired the land, and in the meantime, the elections were declared. We waited for the new government to know about the new investment policies. When Sri Yogi Adityanath ji took over the Chief Minister, I visited the Chief Minister to pay my respect and to explain about our project, which will have initial investment of 2,000 crore, which will provide 5,000 direct employment and 10,000 indirect employment. After seeing our proposal, the Honorable Chief Minister graciously told me, aap kaam shuru kar dijiye, aapko koi takleef nahi hoga. Aap jaldi complete kar dijiye aur hum inauguration ke liye aaunga. This is confidence to investors. Honorable Chief Minister also deputized a senior official to provide us all necessary assistance and help. I am very happy to announce that our shopping mall project, which will be in the biggest in North India, will be completed before time. 35% already completed. Also, before the completion of our project, we will start giving training to our new employees. We will also take the trained employees to different parts of the world. I would also like to announce that our group is planning to construct another two shopping malls in Uttar Pradesh. One will be in the historical city of Varanasi, where a lot of tourists are visiting, international and national, and another business city of Noida. Our national and international team are already working behind. I am a hard-working person. I do not believe in declarations, but I believe in working. I am also sure that more foreign investment will come to the state of Uttar Pradesh. When Sri Satish Mahana, the Honorable Minister of Industrial Development, along with the dedicated team, including then Principal Secretary Industries Dr. Anup Chandra Pandey, who is now in the Chief Secretary, visited United Arab Emirates. I accompanied them as a member of Abu Dhabi Chamber of Commerce and Industry to meet a lot of potential investors who are interested to invest in UP. We had a series of business meetings with investors. The presentations and the information provided by the UP delegation were very attractive and commendable. It greatly convinced the investors. We are also planning to bring a UAE delegation of investors to this state in the first week of October. Thank you very much. बहुत बहुत धन्यवाद सीईओ एनएमसी हेल्थ केयर यूएई श्री बी आर शेट्टी से हमारी अनुनय है कि कृपया अपने उद्गार रखें
Manya Pradhan Mantri Ji, not only our Pradhan Mantri, you are world famous, all over the world, Excellency. I am eyewitness, because I am an international traveler. Wherever I go, our reputation is increased. Before it used to go like this, now we can go like this. You know, that's the difference. And we get things done. Thanks to you, Excellency, our Home Minister Ji, Rajnath Singh Ji, I came to you. You gave me good blessing. But unfortunately, former government, I'm sorry to say, it took 4 years or 3.5 years to get me license. Thanks to Yogi Aditya Ji, his team, I would like to congratulate, sir. Mr. Pandey Ji is something superb person. And Industries Minister Satish Maharaj Ji, when they came to Abu Dhabi, I went to them, just did the plea. I just want to do one hospital in Varanasi. It's my commitment for the people of Varanasi, for their benevolence vote, which he elected our Prime Minister at that time, without even visiting once. That is the relationship I wanted to have, give back to the society of Varanasi people. And luckily, Mr. Pandeji and Minister, they obliged me by giving the plot by Mr. Aditya Junjunwala, which we negotiated 3 years back, he finally confirmed it. Our Ramji, our Ram Naik Ji, our Governor, I am very much indebted to you, sir. I remember I came to you with the oil project from Abu Dhabi. You remember, he told me, yes, now I'll do it. We learned a lesson from Kuwait, now we are ready. I'm glad our Prime Minister came and took not only oil investment, also 10% of the oil field of Abu Dhabi. UAE. Thank you, Excellency, Highness, and our Pradhan Mantri Ji. It never would have happened before. 34 years later, you came and blessed all of us. And I come here with the greetings of 25 million people, more than that, from worldwide NRIs. And I would like to congratulate you, Yogi Aditya Ji, that you have done a wonderful job. I was here for the last year conference, and now I see everybody is investing and the conference. Now, coming to Modi Ji's project of Pradhan Mantri Awasi Yoga Yojan. Sir, I am your, what you call, followers, blind followers. Whatever you day, you want tiger milk, you want, I'll go and bring it. So that is why I'm telling you, I will address this point. I have already talked to my partner, Mr. Aditya Junjunwala. He has promised me to give 50 acres of land to have this Yojana, plus also Ayush Medical College, Siddha, Yunani, and also Homeopathy, and your Sanskrit College. We will have it in that same campus. I am glad to say that announced, he is also here, I told him to be there. I may have a meeting with the Excellency, the Chief Minister after that, just to confirm, we signed MOU, but I want your witness by him that say I am giving this land. And this is the best thing I can do for Varanasi and also UP. I'm telling you, sir, this is the best contribution we can. Will not only me, our whole thing. And just now our Industries Minister announced that Defence Academy you are making. Defence... we have corridor you are making. My request to you, sir, since I am in healthcare and education, I would like to have a Defence Academy also. The quantum computer I am getting to India, Highness knows, and we would like to have artificial intelligence studied by our Indian Army. Thank you very much, and we are here to bless you always. Thank you. Thank you very much. बहुत बहुत धन्यवाद. लखनऊ शहर के निवासी, यहीं से सांसद, देश के गृह मंत्री माननीय श्री राजनाथ सिंह जी से अब हम निवेदन करते हैं कि कृपया हम सबको संबोधित करें. आदरणीय प्रधानमंत्री जी, महामहिम राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे उत्तर प्रदेश के दोनों उप मुख्यमंत्री श्री केशव जी मौर्य, डॉक्टर दिनेश जी शर्मा, उत्तर प्रदेश सरकार के उद्योग मंत्री श्री सतीश जी महाना और हमारे
सम्मानित उद्योगपति जो यहां मौजूद हैं, श्री कुमार मंगलम जी बिरला, श्री गौतम अडानी जी, श्री संजीव सूरी जी, श्री सुभाष चंद्रा जी, श्री बी आर शेट्टी जी, जनाब यूसुफ साहब, और इस सभागार में मौजूद मेरे सभी सम्मानित देवी एवं सज्जनों, जैसा कि इस मंच के संचालक संचालिका ने आप सबको बताया कि मेरा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है, इसलिए अपना संसदीय निर्वाचन क्षेत्र होने के नाते सबसे पहले तो मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का दिल की गहराई से मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, और आप सभी देवियों एवं सज्जनों का भी हृदय की गहराई से अभिनंदन और स्वागत करता हूं। कदाचित ही ऐसे अवसर आते होंगे जब किसी शहर में भारत के प्रधानमंत्री 2 दिन का समय देते होंगे। कल भी प्रधानमंत्री जी इस लखनऊ में मौजूद थे, और प्रधानमंत्री जी आए थे लखनऊ में तो खाली हाथ नहीं आए थे, उन्होंने लखनऊ शहर को भी सौगात दी है, उत्तर प्रदेश को भी सौगात दी है, और सारे भारत को भी कल उन्होंने सौगात देने का काम किया है। और आज 60,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शुभारंभ हो रहा है, और मैं बधाई देना चाहता हूं यहां के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को कि सचमुच उन्होंने करिश्माई काम किया है। अब तक हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी ने सारे दुनिया के इन्वेस्टर्स के लिए इस दुनिया की धरती पर मोस्ट अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन यदि किसी देश को बनाया है तो हमारे और आपके देश भारत को बनाने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है। और इस देश में किसी स्टेट को एक इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बनाने का काम यदि कोई कर रहा है तो हमारे आज के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं। मैं उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा हूं, लेकिन मैं सचमुच यह कल्पना भी नहीं कर सकता था कि 6 महीने पहले यहां इन्वेस्टर्स मीट हुई हो और 6 महीने के अंदर ही 60,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, काम धरातल पर आ जाएगा, इसकी मैं कभी कल्पना भी नहीं कर सकता था। अब तो मेरा भरोसा और विश्वास ये पक्का हुआ है कि जो लगभग 4.3 लाख करोड़ का एमयू हुआ था 6 महीने पहले इन्वेस्टर्स मीट के दौरान, तो आज 60,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं धरातल पर उतर रही हैं। वह दिन दूर नहीं है कि सारी की सारी जितने भी एमयू हुए हैं कम से कम 90% जो है उस अमाउंट की परियोजनाएं हमें उत्तर प्रदेश की धरातल पर उतरेंगी, ऐसा मेरा पूरा विश्वास और भरोसा है। इन्वेस्टर्स मीट का सिलसिला यदि इस इतिहास को उठाकर दे कोई देखे, यह बात सहज रूप से लोगों को समझ में आएगी कि इन्वेस्टर्स मीट का सिलसिला यदि किसी ने इस हिंदुस्तान में प्रारंभ किया तो हमारे आज के प्रधानमंत्री और उसके पहले के गुजरात के मुख्यमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने प्रारंभ किया वाइब्रेंट गुजरात के रूप में, और इन्वेस्टर्स के रूप को गुजरात में उन्होंने आकर्षित करने का काम किया था। अब तब से यह सिलसिला चल पड़ा है। जहां तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, उत्तर प्रदेश का निवासी हूं, उत्तर प्रदेश के मैं पोटेंशियल को समझता हूं, हर पोटेंशियल को समझता हूं, लेकिन यहां पर इन्वेस्टर्स मीट से संबंधित परियोजनाओं की चर्चा हो रही है, इसलिए मैं कहना चाहूंगा जहां तक प्रदेश का सवाल है, उत्तर प्रदेश में मैक्सिमम इकोनॉमिक पोटेंशियल है, यानी अनलिमिटेड इकोनॉमिक पोटेंशियल हमारे इस उत्तर प्रदेश में है। आवश्यकता है इसको एक्सप्लॉयट करने की, आवश्यकता है अनुकूल उद्योग के लिए अनुकूल माहौल यहां तैयार करने की, और इस दिशा में यहां तेजी के साथ काम हो रहा है। लोग कहते हैं भारत के विकास का रास्ता यदि कहीं से गुजरता है, भारत के विकास की एक्सप्रेसवे कहीं से गुजरती है तो दिल्ली से गुजरती है, मुंबई से गुजरती है, बंगलोर से गुजरती है, तो मैं अब ये कहना चाहता हूं यहां के हालात को देखकर योगी जी कि अब केवल दिल्ली मुंबई और बंगलोर से ही
भारत के विकास का एक्सप्रेसवे नहीं गुजर रहा है, बल्कि अब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से भी भारत के विकास का एक्सप्रेसवे गुजर रहा है। और बड़ा काम किया है, इसलिए आज के अवसर पर मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा मुझे कुछ कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से सभी उद्योग जगत से जुड़े सम्मानित बहनों भाइयों का मैं आह्वान करना चाहता हूं कि वह उत्तर प्रदेश में अधिकतम निवेश करें, अनुकूल वातावरण मिलेगा। भारत का गृह मंत्री होने के नाते मैं यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि वैसे तो सुरक्षा की जिम्मेदारी यहां के मुख्यमंत्री जी संभालेंगे ही, लेकिन गृह मंत्री होने के नाते अतिरिक्त यदि सुरक्षा की यदि आवश्यकता होगी तो पूरी तरह से सुरक्षा मुहैया कराने के लिए भारत सरकार भी आपके साथ खड़ी है। इसी निवेदन के साथ पुनः आप सबका अभिनंदन और स्वागत करते हुए और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए, उन्होंने उत्तर प्रदेश की राजधानी में 2 दिन का जो समय दिया है, ये केवल हम ही लोगों के लिए प्रसन्नता का विषय नहीं है, बल्कि समस्त लखनऊ वासियों के लिए, पूरे उत्तर प्रदेश वासियों के लिए प्रसन्नता का विषय है। बस इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आप सबको धन्यवाद देते हुए अपना निवेदन समाप्त कर। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। नया उत्तर प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की प्रखरता से ऊंचाइयों की ओर जा रहा है। चाहे सुशासन हो, समृद्धि हो या संभावनाएं नई हो, उत्तर प्रदेश की जनता की सेवा में पूरी श्रद्धा से समर्पित माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ जी से अब हमारा अनुरोध है कि कृपया हम सबको संबोधित करें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, प्रदेश के माननीय राज्यपाल जी, भारत सरकार के माननीय गृह मंत्री जी, उत्तर प्रदेश में मेरे वरिष्ठ सहयोगीगण, उप मुख्यमंत्रीगण श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, प्रदेश में औद्योगिक विकास मंत्री श्री सतीश महाना जी, राज्य मंत्री श्री सुरेश राणा जी, आज के इस ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में उपस्थित बिरला ग्रुप के चेयरमैन श्री कुमार मंगलम बिरला जी, अडानी ग्रुप के चेयरमैन श्री गौतम अडानी जी, एसएल ग्रुप के चेयरमैन श्री सुभाष चंद्रा जी, देश के सभी सम्मानित उद्योगपति और निवेशकगण, प्रदेश के मुख्य सचिव और आज के इस समारोह में उपस्थित सभी महानुभाव, मैं प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज के इस समारोह में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, आप सब जानते हैं कि आज से 5 माह पूर्व किसी प्रांगण में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन किया था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति न केवल उत्तर प्रदेश के लिए अपितु पूरे देश के लिए एक पुनरुत्थान की नई ऊर्जा का माध्यम बनता है और उनके प्रेरणा और उनके मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश सरकार ने जो अपना पहला इन्वेस्टर समिट उत्तर प्रदेश के अंदर 21-22 फरवरी को संपन्न किया था, इस अवसर पर 4.68 लाख करोड़ रुपए का MOU उत्तर प्रदेश सरकार के साथ हमारे सम्मानित उद्योगपतियों और निवेशकों ने यहाँ पर संपन्न किया था। मुझे प्रसन्नता है कि इस दौरान आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सम्मुख
जिन बातों के लिए हम लोगों ने यहाँ पर अपनी प्रतिबद्धता दोहराई थी, हमारी पूरी टीम ने उन सब का अक्षरशः पालन करते हुए मात्र 5 माह के इस अल्प अवधि में 60,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्तावों को आज हम धरातल पर उतारने का कार्य आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से संपन्न करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के लिए यह एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है, इसलिए भी महत्वपूर्ण घटना है, अगर हम आंकड़ों को देखें तो जो लोग उत्तर प्रदेश के विकास के इस अभियान पर समय समय पर प्रश्न खड़ा करते हैं, आप देखेंगे बहुजन समाजवादी पार्टी के 5 वर्ष के शासनकाल में प्रदेश में 57,000 करोड़ रुपए का निवेश मात्र हुआ था। समाजवादी पार्टी की सरकार 5 वर्ष तक प्रदेश में शासन की थी, 5 वर्ष के उस शासनकाल में 50,000 करोड़ रुपए का निवेश प्रदेश में हुआ था और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद और उनके मार्गदर्शन में 1 वर्ष के अंदर 60,000 करोड़ रुपए का यह शुभारंभ निवेश का प्रदेश ने के प्रारंभ किया है और लगभग 50,000 करोड़ रुपए के हमारी परियोजनाएं पाइपलाइन में है। बहुत शीघ्र हम उन प्रस्तावों को भी यहां पर औद्योगिक निवेश के इन कार्यक्रमों पर को भी हम जमीन पर उतारने का कार्य करेंगे। आज के इस अवसर पर जो कुछ महत्वपूर्ण बातें हम सबके लिए हैं उसमें उत्तर प्रदेश ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के योग्य मार्गदर्शन में उनके आशीर्वाद से जिन क्षेत्रों में अच्छी प्रगति की है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बारे में हमारे सम्मानित उद्योगपतियों ने यहाँ पर चर्चा की है और एक अच्छी छलांग, जैसे देश ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 30 अंकों की एक लंबी छलांग लगाते हुए देश को एक सम्मानजनक स्थान पर ले जाने का कार्य किया, उसी का अनुसरण करते हुए उत्तर प्रदेश ने भी देश के विभिन्न राज्यों में इज ऑफ डूइंग बिजनेस के जो 5 प्रमुख पैरामीटर हैं उनमें 5 प्रमुख राज्यों में उत्तर प्रदेश ने भी अपना एक स्थान बनाने में सफलता प्राप्त की है। महत्वपूर्ण स्थिति आज के इस जो इन्वेस्टर समिट में, इसमें प्रदेश के अंदर जो अक्सर कुछ बातों को लेकर के चर्चाएं होती थी कि प्रदेश के अंदर एक क्षेत्र विशेष में ही अधिकतर उद्योग लगते हैं, उस विषमता को दूर करने का कार्य भी हम लोगों ने इस अवसर पर करने का प्रयास किया और मैं धन्यवाद दूंगा अपने सभी निवेशकों को जिन्होंने प्रदेश के अंदर हर क्षेत्र में निवेश करने में अपनी रुचि दिखाई। और अभी हाल ही में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, जो देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है, जो लखनऊ से गाजीपुर तक एक 241 किलोमीटर लंबा 6 लेन का एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है, साथ ही वाराणसी को बलिया के साथ जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 4 लेन के साथ यह एक्सप्रेसवे जोड़ने जा रहा है, इस एक्सप्रेसवे के बनने के साथ पूर्वांचल में और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से इस वर्ष के अंत में हम लोग बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, जो आगरा को चित्रकूट और चित्रकूट को इलाहाबाद के साथ जोड़ने जा रहा है, इस एक्सप्रेसवे का भी शुभारंभ करने जा रहे हैं। इन 2 एक्सप्रेसवे के साथ प्रदेश के अंदर जो क्षेत्रीय विकास के असंतुलन थी उसको दूर करने में हमें मदद मिलेगी। लेकिन इस बार जो 60,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रदेश के अंदर आ रहे हैं, इसमें 51% निवेश पश्चिमांचल में, 27% निवेश मध्यांचल और बुंदेलखंड में और 22% निवेश पूर्वी उत्तर प्रदेश में, या एक साथ होने जा रहे हैं। निवेश में भारी उद्योग में 26%, खाद्य प्रसंस्करण में 17%, आईटीएस में 11%, आवास में 8%, एमएसएमई में 6.2%, डेयरी में 5%, पर्यटन में 5%, पशुपालन आदि में 4% का जो निवेश इन सभी क्षेत्रों में होने जा रहा है। प्रदेश के अंदर निवेश का एक नया वातावरण बनाने का कार्य हुआ है। प्रदेश के अंदर सभी निवेशकों और उद्योगपतियों
को न केवल सुरक्षा पे तो राज्य के प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा के प्रति सरकार ने अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया है और साथ ही साथ औद्योगिक क्षेत्रों में विशेष सुरक्षा बल का गठन और उन क्षेत्रों में उन सब की सुविधा उन सब की उन क्षेत्रों में सुरक्षा का एक नया वातावरण पैदा हो सके इसके लिए उन क्षेत्रों में विशेष प्रशिक्षित अधिकारियों की तैनाती का भी नीतिगत निर्णय हमारी सरकार ने प्रदेश के अंदर लिया है। प्रदेश के अंदर अन्य तमाम क्षेत्रों में भी हम लोगों ने अनेक कार्य प्रारंभ करने के प्रयास हुए हैं। जैसे कि मैंने पहले भी कहा यहां पर कि प्रदेश के अंदर हम लोगों ने इस क्षेत्र में वाराणसी में मल्टी मॉडल हब बनाने की दिशा में जो एक नए कार्य प्रस्तावित किए हैं 21 नई पॉलिसी अलग अलग फोकस सेक्टर की हम लोगों ने प्रदेश के अंदर बनाई हैं। इन सभी कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए मैं आज के इस अवसर पर जितने भी हमारे निवेशक यहां पर उपस्थित हुए हैं उन सबको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि उत्तर प्रदेश की जो पहले से चली आ रही परंपरागत परंपराएं थी उन सबको हटाते हुए हमने एक नई शुरुआत प्रदेश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उनके आशीर्वाद से प्रदेश ने प्रारंभ किया है और आज मैं इस बात को कह सकता हूं आज प्रदेश से कोई सैमसंग या कोई एलजी या कोई टीसीएस प्रदेश से आज यहां पर जाने को तैयार नहीं बल्कि अपने एक्सपेंशन के साथ यहां पर अपनी पूरी कार्य योजना को लागू करने के लिए तत्पर दिखाई दे रहा है। एक वो समय था जब ये सभी निवेशक प्रदेश से बाहर जाने को तत्पर थे। आप मार्च 2017 के पहले की उस स्थिति को देखिए और उन सब में यही स्थितियां थी लेकिन मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आज प्रदेश ने उन सभी क्षेत्रों में काफी सुधार किया है और आने वाले समय में बहुत अच्छी स्थितियां प्रदेश के अंदर देखने को मिलेंगी। मैं आज के इस अवसर पर हृदय से धन्यवाद दूंगा अपने इन सभी सम्मानित उद्योगपतियों और निवेशकों को जिन्होंने प्रदेश की वर्तमान सरकार पर विश्वास व्यक्त किया और यहां पर उन्होंने अपने निवेश के लिए उत्तर प्रदेश को चुना है। मैं एक बार पुनः आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं और उनके मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश निवेश का एक सबसे अच्छा गंतव्य बन करके देश के सामने अपनी एक नई पहचान बना करके देश के ग्रोथ इंजन के रूप में अपनी भूमिका का निर्वाह करने में अपना योगदान देगा। इस विश्वास के साथ मैं आगामी जनवरी 19 में प्रदेश के अंदर प्रयागराज की धरती पर लगने वाले दुनिया के सबसे बड़े सांस्कृतिक आयोजन प्रयागराज कुंभ में आप सबको आमंत्रित करता हूं। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश को प्रदेश के अंदर अपनी सबसे प्राचीन नगरी और देश की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में विख्यात वाराणसी में 15वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन को आयोजित करने का भी एक अवसर प्राप्त होगा। मैं इस अवसर पर देश और दुनिया में उन सभी जितने भी प्रवासी भारतीय हैं उन सब का स्वागत का अवसर हम सबको प्राप्त होगा। इसके लिए भी मैं आप सबको इस अवसर पर सादर आमंत्रण देता हूं। मैं एक बार पुनः आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के औद्योगिक निवेश के शुभारंभ के लिए अपना समय निकाल करके आज पुनः यानी कल भी प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन हम सबको प्राप्त हुआ था और आज पुनः एक बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन और प्रेरणा हम सबको प्राप्त होगी। मैं इस अवसर पर एक बार पुनः उनका हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हुए आप सभी के प्रति हृदय से साधुवाद देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय आपका। भारतवासियों, उत्तर प्रदेश वासियों, इन 4 सालों से भारत में अब कैलेंडर वर्षों का इंतजार नहीं करता। ऋतुओं के बदलते ही विकास का एक और नया मौसम आ जाता है। बस 5 महीने पहले ही तो इन्वेस्टर समिट हुआ था और देखिए समृद्धि, प्रगति, रोजगार, विकास की बारिश
इस मंगल भूमि उत्तर प्रदेश को भिगोने के लिए पूरी तरह से तैयार है। हम माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करते हैं कि कृपया उत्तर प्रदेश के 81 औद्योगिक प्रोजेक्ट्स की शिला स्थापना अपने कर कमलों द्वारा करें। हम माननीय राज्यपाल, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय केंद्रीय गृह मंत्री से भी निवेदन करेंगे कि कृपया इस शुभ कार्य में सम्मिलित हों। माननीय आपसे निवेदन है कि इस शिला पर अपने हस्ताक्षर करें ताकि ये शिला हमेशा के लिए यादगार और अनमोल बन जाए। माननीय कृपया पहले शिला पर हस्ताक्षर करें और उसके बाद में शिला स्थापना करें अपने कर कमलों द्वारा। आज एक नए युग की शुरुआत होने जा रही है, नए औद्योगिक युग की शुरुआत होने जा रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा ये हस्ताक्षर की गई शिला बहुत अनमोल और यादगार है, संजो कर रखने वाली है। जी हाँ, एक नए युग की शुरुआत। जी हाँ, आज एक नए औद्योगिक युग की शुरुआत हुई है उत्तर प्रदेश में। तो आइए इसी पर आधारित एक फिल्म पर नजर डालते हैं। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य, जो है प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध, जहां है विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी। प्रदेश की इस पहचान को तो सभी जानते हैं, लेकिन अब इसकी नई पहचान बन रही है किसी काम के रिजल्ट को सही समय पर पाने की इसकी चाहत के द्वारा। उत्तर प्रदेश सरकार इसी अभूतपूर्व जवाबदेही के साथ आगे बढ़ रही है। क्या आपको याद है, यूपी इन्वेस्टर्स समिट 2018 जो गवाह बना था 7 सहयोगी देशों के 7,000 डेलीगेट्स और हजारों विजिटर्स का, जो लेकर आया था पॉलिसी मेकर्स और बिजनेस लीडर्स को एक ही छत के नीचे, जहां हुए थे 28 से भी अधिक डेडिकेटेड सेशंस, जिसमें 10 से भी ज्यादा इंडस्ट्री सेक्टर्स हुए थे कवर, जहां साइन हुए थे 1,045 MOUs और हुए थे 4,28,000 करोड़ के निवेश के करार भी। लेकिन इस समिट की समाप्ति के बाद आगे क्या हुआ? MOUs को ऑन ग्राउंड प्रोजेक्ट्स में बदलने की प्रक्रिया में तो सालों भी लग जाते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की दूरदर्शी सरकार ने कम से कम समय में समिट में किए करार को पूरा करने के लिए किए निरंतर प्रयास। उत्तर प्रदेश में अब वो बुनियाद तैयार हो चुकी है जिस पर न्यू उत्तर प्रदेश की भव्य और दिव्य इमारत का निर्माण होगा। उत्तर प्रदेश में संसाधन और सामर्थ्य का इतना विस्तार है कि यहां पर सैकड़ों वर्षों से लगभग हर क्षेत्र की एक अपनी अलग पहचान रही है। आज उत्तर प्रदेश सरकार की सटीक स्ट्रेटेजिक पॉलिसीज, फास्ट ट्रैक अप्रूवल्स और त्रुटिहीन दृष्टिकोण के कारण ही तो देश के सामने ये बन रहा है उदाहरण। हमारा लक्ष्य आगामी 3 वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश के अंदर 40 लाख रोजगार का सृजन करना है और इस दिशा में प्रदेश के औद्योगिक विकास हेतु राज्य सरकार को नीतिगत रणनीति बनाई जाने हेतु सुझाव देने के लिए हम लोगों ने देश के जाने माने उद्योगपतियों का एक राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड भी गठित किया है। 5 महीने से भी कम समय में शुरू होने जा रहे हैं
81 नए प्रोजेक्ट्स और विकास की इस नई इबारत से जुड़ रही हैं कई छोटी बड़ी कंपनियां। उत्तर प्रदेश के उज्जवल भविष्य में 10,000 करोड़ की भागीदारी निभाने वाली कंपनियां हैं रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड, जो 4G नेटवर्क के विस्तार के साथ प्रदेश में डिजिटल रेवोल्यूशन लाएगा। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर प्राइवेट लिमिटेड ग्रेटर नोएडा के टेक जोन में कमर्शियल स्पेस बढ़ाएगा। 5,000 करोड़ के बड़े निवेश के साथ प्रदेश के विकास को आगे ले जाने वाली कंपनियां हैं भारत संचार निगम लिमिटेड, जो राज्य में टेलीकॉम नेटवर्क सर्विसेज बढ़ाएगा। इंफोसिस लिमिटेड द्वारा नोएडा फेज 2 में आईटीईएस सेंटर स्थापित किया जाएगा। तेगना इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स और हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के लिए एक पार्क स्थापित किया जाएगा। 1200 से 3500 करोड़ रुपए तक के निवेश के साथ उत्तर प्रदेश की तरक्की को गति देगी पेटीएम, जो गौतम बुद्ध नगर में रोजगार के नए द्वार खोलेगा। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, जो नोएडा फेज 2 में आईटी और आईटीईएस सेंटर्स स्थापित करेगा। अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड घाटमपुर हापुड़ लाइन के 900 सर्किट किलोमीटर में 765 केवी क्षमता के तार बिछाएगा। कनोडिया ग्रुप इलाहाबाद में 4 सीमेंट ग्राइंडिंग प्लांट्स लगाएगा। लूलू ग्रुप इंटरनेशनल लखनऊ में करेगा लूलू मेगा मॉल की स्थापना। SL इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड उत्तर प्रदेश के कई शहरों में लेकर आएगा ई रिक्शा। 39 अन्य कंपनियों द्वारा भी कई और महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स लगाए जाएंगे, जिनके द्वारा 100 से 800 करोड़ रुपए से आईटी, रियल एस्टेट, इलेक्ट्रॉनिक्स, बेवरेजेस, आयुर्वेदा और ऑटोमोबाइल सेक्टर्स के साथ ही साथ और भी कई सेक्टर्स में निवेश किए जाएंगे। 31 अन्य कंपनियों द्वारा 90 करोड़ रुपए तक का निवेश इंफ्रास्ट्रक्चर, हॉस्पिटैलिटी, हेल्थ केयर, फूड और ट्रेवल्स जैसे सेक्टर्स के अलावा और भी कई अन्य सेक्टर्स में किया जाएगा। इतने बड़े निवेश के साथ उत्तर प्रदेश के चारों क्षेत्र पूर्वांचल, पश्चिमांचल, मध्यांचल और बुंदेलखंड में अभूतपूर्व बदलाव भी आएगा और उत्तर प्रदेश बढ़ चलेगा संपूर्ण विकास की ओर। आज उत्तर प्रदेश उज्जवल भविष्य की ओर अपने कदम बढ़ा रहा है, एक प्रदेश जिसने पहले ही दूरदर्शी नेतृत्व में सफलता की नई कहानी लिखना शुरू कर दिया है। 60,000 करोड़ से ज्यादा के निवेश के साथ उत्तर प्रदेश एक नए आर्थिक युग में प्रवेश करेगा, जिससे पूरे उत्तर प्रदेश की बदलेगी सूरत। खुशहाली से जुड़ेगा यहाँ का कोना कोना, जहां 81 प्रोजेक्ट्स विकास की नई गाथा लिखेंगे, जहां 2,00,000 से अधिक रोजगार का होगा सृजन। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए औद्योगिक निवेश के शुभारंभ से उत्तर प्रदेश भरने जा रहा है एक ऊंची उड़ान न्यू इंडिया के आसमान में। बहुत बहुत बधाई उत्तर प्रदेश वासियों और बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी इन सौगातों के लिए। स्वाधीनता संग्राम की ये क्रांति भूमि माननीय प्रधानमंत्री जी की छत्र छाया में विकास की नई क्रांतियों से नए नए अध्याय लिख रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी, उत्तर प्रदेश तथा देश की जनता की अपेक्षाओं आकांक्षाओं को एक एक करके पूरा करते जा रहे हैं। सबके विकास का अपना पुण्य संकल्प एक एक करके सिद्धि तक पहुंचा रहे हैं। सबसे बड़े प्रदेश को सबसे बड़ा औद्योगिक हब बनाने का उत्तर प्रदेश वासियों का सपना आज हकीकत की जमीन पर उतारने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी से हम विनम्र अनुनय करते हैं कि कृपया हम सबको अपनी शुभकामनाएं दें। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्रीमान राम नाईक जी, यहाँ के मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, केंद्र में मंत्रिपरिषद के मेरे सहयोगी श्रीमान राजनाथ सिंह जी, यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा जी,
राज्य मंत्री श्रीमान सतीश महाना जी, यहाँ मौजूद उद्योग जगत से जुड़े सम्मानित अतिथिगण, देवी और सज्जन, भगवान शिव जी का प्रिय मास श्रावण शुरू हो चुका है। देश के अलग अलग हिस्सों में भोले के भक्त कांवड़ लेकर के निकल चुके हैं। एक प्रकार से अब से लेकर के दिवाली तक त्योहार का माहौल होता है और आने वाले त्योहारों के लिए मैं आप सभी को और देशवासियों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, त्योहार के साथ साथ देश के बड़े हिस्से में अच्छी बरसात भी हो रही है। मौसम की ये मेहरबानी खेती के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए उम्मीदों से भरी हुई है, लेकिन भारी बारिश के चलते देश के कुछ हिस्सों में लोगों को तकलीफ भी हो रही है। सरकार हर स्थिति पर नजर रखे हुए हैं, राज्य सरकारों के साथ मिलकर पूरा प्रयास कर रही हैं कि संकट में घिरे हर देशवासी तक मदद पहुंचे। साथियों, एक संवेदनशील सरकार होने के नाते सामान्य जन के जीवन को संकट से निकालना, उसे सरल और सुगम बनाना, ये मैं मानता हूं कि राज्य की सबसे प्राथमिक जिम्मेवारी है और हमारा भी यही एकमात्र ध्येय है। बीते 4 वर्षों में निरंतर इसी विचार के साथ हम आगे बढ़ते रहे हैं और आज यहां लखनऊ के इस सभागार में जुटना भी इसी कड़ी का एक हिस्सा है। कल मैंने लखनऊ से यहां शहरी जीवन को स्मार्ट और सुविधा संपन्न बनाने के लिए आयोजित कार्यक्रम में आने का मुझे अवसर मिला था। उत्तर प्रदेश के शहर और शहरों से जुड़ी कई अहम परियोजनाओं का शिलान्यास और गरीब बेघर भाइयों बहनों को उनके अपने घर की चाबी सौंपने का भी मुझे अवसर मिला और मुझे प्रसन्नता है कि आज उत्तर प्रदेश के कोने कोने को ट्रांसफॉर्म करने, परिवर्तन लाने के लिए यहां हम सब मिलकर के संकल्प करके आगे बढ़ने के दिशा में प्रवृत्त है। साथियों, 5 महीने में ये दूसरी बार जब उद्योग जगत से जुड़े साथियों के साथ मैं यहां लखनऊ में मिल रहा हूं। इससे पहले फरवरी में यूपी इन्वेस्टर समिट के लिए भी मैं आया था और मुझे जानकारी दी गई है कि उस समिट के दौरान यूपी में 4.25 लाख करोड़ से अधिक के निवेश का इरादा जताया गया था और मुझे प्रसन्नता है उस संकल्प को जमीन पर उतारने की उस कड़ी में आज एक बहुत बड़ा कदम उठाया जा रहा है। हमारे सतीश जी पता नहीं आज क्यों संकोच से बोल रहे थे, बड़ी नम्रता और विवेक से ऐसा कह रहे थे जैसे 60,000, सिर्फ 60,000। आपको भूख ज्यादा हो मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं लंबे अरसे तक मुख्यमंत्री रह के आया हूं और औद्योगिक गतिविधि से जुड़े राज्य से आया हूं,
60,000 कम नहीं होता है जी, 60,000 करोड़ बहुत बड़ा होता है। आपको अंदाज नहीं है आप लोगों ने कितना बड़ा अचीव किया है। मैं यहां के अफसरों को भी बधाई देता हूं। ये आपने अकल्पनीय काम किया है जी। मुझे मालूम है कि पूंजी निवेश में कैसी कैसी चीजें आड़े आती हैं जी। एक कोर्ट कचहरी में कांग्रेस चला जाए, दो दो साल तक काम अटक जाता है जी। एनवायरमेंट वालों के पास चला जाए तो ऊपर बैठ जाता है। और किसी अखबार वाले के हत्थे चढ़ गया सुभाष जी। फिर तो सरकार भी डर जाती है, इसको काम दे या न दे, करने दे न करने दे, क्योंकि राइवलरी ग्रुप के लोग भांति भांति के खेल खेलते हैं। इन सारे संकटों को पार करते हुए 5 महीने के भीतर भीतर ये मोमेंटम लाना, 60,000 करोड़ रुपए पूंजी निवेश का काम प्रारंभ होना, यह अद्भुत सफलता है जी। मैं अनुभव के आधार पर कह रहा हूं। आपकी पूरी टीम बहुत बहुत बधाई के पात्र है। मैं उन किसानों का भी बधाई करूंगा जिन्होंने जहां जमीन की जरूरत पड़ी होगी जमीन दी होगी। मैं उन छोटे छोटे मुलाजिम, वहां का पटवारी भी, वो भी आड़े नहीं आया होगा, तब हुआ होगा जी। देश या तो प्रधानमंत्री चला पाता है या तो पटवारी चला पाता है। और इसलिए ये नेतृत्व की सफलता है कि इतने कम समय में मुख्यमंत्री से लेकर के पटवारी तक सारी टीम एक समान दिशा में सोच करके आगे बढ़ी। मुझे दूसरी खुशी की बात है कि आपने इन सारी चीजों को किसी इंडिविजुअल के बीम पर नहीं छोड़ा, आपने अलग अलग सेक्टर्स के लिए पॉलिसी बनाई, ब्लैक एंड व्हाइट में चीजें रखी, ऑनलाइन कोई भी उसको देख सकता है, और जिसको वो लगेगा हाँ भाई ये मैं इसमें अपने आप को फिट कर सकता हूं वो आएगा। ये पॉलिसी ड्रिवन स्टेट, ये उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी सिद्धि है। और इसलिए कृपा करके इन 60,000 करोड़ को कम मत बांधिए। आपने अद्भुत अचीव किया है जी, क्योंकि मैं इस काम को लंबे अरसे तक करके आया हूं तो मुझे पता है कितनी मेहनत लगती है इसमें, कितना इनिशिएटिव लेना पड़ता है, कितना परस्यू करना पड़ता है और कितनी गालियां खानी पड़ती है जी। लेकिन राज्य के लिए प्रतिबद्धता होती है तो रास्ते भी निकलते हैं। और मैं देख खुश हूं कि उत्तर प्रदेश ने, दूसरी खुशी की बात है, देखिए साइकिल की ट्यूब में इतने पॉइंट हवा भरने से सफिशिएंट हवा भर जाती है, फिर साइकिल चलती है। लेकिन कभी कभी उस ट्यूब में एक कोने में फुग्गा हो जाता है, गुब्बारा हो जाता है। अब मीटर देखोगे तो मीटर तो ठीक लगेगा, हाँ यार इतना पॉइंट हवा गई, लेकिन वो साइकिल चल नहीं पाती, वो हवा ही रुकावट बन जाती है। मुझे खुशी है कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री जी ने सर्वांगीण विकास पे ध्यान दिया है, उत्तर प्रदेश के सभी भूभागों को अवसर मिले, संतुलित विकास हो। संतुलित विकास है उत्तर प्रदेश की बहुत बड़ी आवश्यकता है। अकेले नोएडा गाजियाबाद की दुनिया से नंबर तो ऊपर जाएगा, लेकिन उत्तर प्रदेश की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होगी।
और उस काम को जिस किया है और आज मुझे खुशी है कि सारी चीजों को बारीकियों से हम बताया गया जनता के सामने। ये सारे इनिशिएटिव मैं समझता हूं बधाई के पात्र हैं। कुछ लोग इसे ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी कह रहे हैं, वैसे तो परंपरा वही है, लेकिन ये सब देखने के बाद मैं कहता हूं ये रिकॉर्ड ब्रेकिंग सेरेमनी है। इतने कम समय में जिस प्रक्रियाओं को तेजी से आगे बढ़ाया गया है, पुराने तौर तरीकों को बदला गया है, ऐसा उत्तर प्रदेश में मैं नहीं मानता हूं पहले का कोई भी व्यक्ति उठ करके कह सकता है जो आज विश्वास पैदा हुआ है। यहां के लिए तो ये शासन प्रशासन का बिल्कुल नई चीजें हैं जी, और मुझे खुशी है कि योगी जी के नेतृत्व में सरकार ने निवेशकों से निरंतर संवाद बनाए रखा और इंटेंट को इन्वेस्टमेंट में बदलने के लिए माहौल तैयार किया। ऑनलाइन एमओयू ट्रैकर हो या फिर क्लियरेंसेस के लिए निवेश मित्र जैसा सिंगल विंडो डिजिटल प्लेटफॉर्म हो, ये बदली हुई कार्य संस्कृति और यूपी में बिजनेस के लिए बने अनुकूल वातावरण को दर्शाता है। एक वो समय था जब यूपी में निवेश को लोग चुनौती मानते थे, आज वो चुनौती अवसरों के रूप में सामने उभर करके आ रही है। अवसर रोजगार के हो, व्यापार के हो, अच्छी सड़कों के हो, पर्याप्त बिजली के हो, बेहतर वर्तमान के और उज्जवल भविष्य के हो, आज का यह आयोजन यूपी पर बढ़ते भरोसे का प्रतीक है, उत्साह का प्रतीक है, यूपी के विकास का प्रतीक है। मुझे उम्मीद है जिस स्पीड से आप आगे बढ़ रहे हैं उससे उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की चुनौती पार करने में बहुत समय नहीं लगेगा, ये मेरी आत्मा कहती है। उत्तर प्रदेश सरकार को, उद्योग जगत के आप सभी साथियों को इस प्रतिबद्धता के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। हम बोलने लोग नहीं है जी जो उद्योगकारों के बगल में खड़े रहने से डरते हैं, वरना कुछ लोगों का आपने देखा होगा उनकी एक फोटो हम नहीं निकाल सकते किसी उद्योगपति के साथ, लेकिन एक देश का उद्योगपति ऐसा नहीं हो जिन्होंने उनके घरों में जाकर के साष्टांग दंडवत न किए हो। ये अमर सिंह यहां बैठे उनके पास सारा हिस्ट्री निकाल देंगे। लेकिन जब नियत साफ हो, इरादे नेक हो, तो किसी के साथ खड़े होने से दाग नहीं लगते। महात्मा गांधी का जीवन इतना पवित्र था, उनको बिरला जी के घर परिवार में जाकर के रहने में कभी संकोच नहीं हुआ, बिरला जी के साथ खड़े रहने में उनको कभी संकोच नहीं हुआ, नियत साफ थी। जिन लोगों को पब्लिक में तो मिलना नहीं है, पर्दे के पीछे सब कुछ करना है, वो डरते रहते हैं। अगर हिंदुस्तान को बनाने में एक किसान का मेहनत काम करती है, एक कारीगर की मेहनत काम करती है, एक बैंकर फाइनेंसर की मेहनत काम करती है, एक सरकार के मुलाजिम की मेहनत काम करती है, एक मजदूर की मेहनत काम करती है, वैसे देश के उद्योगकारों की भी देश को बनाने में भूमिका होती है। हम उनको अपमानित करेंगे, चोर लुटेरे कहेंगे, ये कौन सा तरीका है? हां, जो गलत करेगा उसको या तो देश छोड़ के भागना पड़ेगा या तो जेलों में जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। लेकिन यह भी पहले इसलिए नहीं होता था क्योंकि पर्दे के पीछे पहले बहुत कुछ होता था। किसके जहाज में लोग घूमते पता नहीं है क्या?
और इसलिए देश को आगे बढ़ाने के लिए हर किसी के साथ और सहयोग की आवश्यकता है और देश के 125 करोड़ नागरिकों को सम्मान देना ये हम सब देशवासियों की जिम्मेवारी है। जो प्रोजेक्ट आज शुरू हुए हैं इनमें यहां के 2 लाख से अधिक युवाओं को सीधा रोजगार मिलने का वाला है और इसके अतिरिक्त जहां ये उद्योग लगेंगे फैक्ट्रियां लगेगी वहां के स्थानीय लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार भी मिलेगा। इन परियोजना से किसान हो श्रमिक हो युवा हो हर किसी को लाभ होने वाला है। साथियों मैंने यूपी की 22 करोड़ जनता को वचन दिया था कि उनके प्यार को ब्याज समेत लौटाऊंगा। आज यहां जो परियोजनाएं शुरू हो रही हैं वो उसी वचनबद्धता का एक महत्वपूर्ण ठोस कदम है। ये प्रोजेक्ट्स उत्तर प्रदेश में आर्थिक और औद्योगिक असंतुलन को दूर करने में भी सहायक होंगे क्योंकि ये राज्य के कुछ विशेष क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं है। इनका विस्तार नोएडा ग्रेटर नोएडा मेरठ मुजफ्फरनगर से लेकर झांसी हरदोई अमेठी रायबरेली और जौनपुर मिर्जापुर गोरखपुर तक फैला हुआ है। ये प्रोजेक्ट्स डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया अभियान को नया आयाम देने की दिशा में भी बहुत बड़े कदम सिद्ध होने वाले हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में तेज इंटरनेट सर्विस पहुंचाने के लिए ऑप्टिकल फाइबर बिछाना हो या फिर आईटी सेंटर स्थापित करने का काम ये डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर यूपी के विकास को नई गति नई दिशा और नौजवानों को नया अवसर देने वाला है। ये हमारी सरकार के उस व्यापक प्लान का हिस्सा है जिसके तहत हम डिजिटलाइजेशन के साथ साथ सामान्य मानवीय के जीवन को सरल बनाना चाहते हैं। एक ऐसी व्यवस्था खड़ी करना चाहते हैं जहां किसी प्रकार के भेदभाव की गुंजाइश ना हो प्रक्रियाओं में गति भी दिखे और संवेदनशीलता भी दिखे न अपना न पराया न छोटा न बड़ा सबके साथ समान व्यवहार यानी कुल मिलाकर सबका साथ सबका विकास। साथियों सर्विसेज की तेज और ट्रांसपेरेंट डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल इंडिया अभियान आज व्यापक भूमिका निभा रहा है। गांव गांव में फैले 3 लाख से अधिक कॉमन सर्विस सेंटर आज हमारे ग्रामीण जीवन को बदल रहे हैं। टिकट बुकिंग बिजली टेलीफोन के बिल टेलीमेडिसिन जन औषधि आधार सेवा जैसी सैकड़ों सेवाओं के लिए अब गांव के लोग सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने के लिए मजबूर नहीं है। गांव में कॉमन सर्विस सेंटर तो शहरों में फ्री वाईफाई हॉटस्पॉट्स सस्ता मोबाइल इंटरनेट गरीब मध्यम वर्ग के जीवन को सुगम बनाने में बहुत बड़ी सहायता कर रहा है। साथियों आईटी इंडस्ट्री बरसों से हमारी ताकत रही है। आज आईटी एक्सपोर्ट रिकॉर्ड स्तर पर है। 40 लाख से अधिक लोग इस इंडस्ट्री से जुड़े हैं लेकिन देश की यह ताकत बड़े शहरों मेट्रो शहरों वहां तक सीमित रह गई। हमारी सरकार इस ताकत को देश के छोटे शहर और गांवों तक पहुंचाने के संकल्प के साथ काम कर रही है। साथियों टुकड़ों में सोचने की सरकारी परंपरा अब समाप्त हो चुकी है। अब साइलोज को खत्म करके सॉल्यूशंस को
और सिंक्रोनाइजेशन को प्रोत्साहित किया जा रहा है। सरकार की एक योजना एक एक्शन का दूसरे से सीधा कनेक्शन है। डिजिटल इंडिया अभियान और मेक इन इंडिया अभियान इसका बेहतरीन उदाहरण है। आज डिजिटल इंडिया, डिजिटल लेन देन का जो भी प्रसार हो रहा है उसके पीछे सस्ते होते मोबाइल फोन भी एक कारण है। मोबाइल फोन इसलिए सस्ते हुए क्योंकि अब बड़ी मात्रा में भारत में फोन का निर्माण होने लगा है, बनने लगे हैं। आज देश दुनिया के लिए मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का हब बनता जा रहा है। आज हम दुनिया में मोबाइल फोन बनाने के मामले में दूसरे नंबर पर पहुंच चुके हैं और मुझे प्रसन्नता है कि इन मैन्युफैक्चरिंग रिवॉल्यूशन की अगुवाई उत्तर प्रदेश कर रहा है। यूपी में 50 से अधिक मोबाइल फोन बनाने वाली फैक्ट्रियां आज काम कर रही है। हाल में ही दुनिया की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की भी शुरुआत इसी उत्तर प्रदेश में हुई है। आज भी यहां जिन नई फैक्ट्रियों का शिलान्यास हुआ है उनमें मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी फैक्ट्रियां भी शामिल है। साथियों, आज जो माहौल बना है उसके लिए बीते 4 वर्षों में अनेक फैसले सरकार ने लिए हैं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से जुड़े फैसले हो, देश में मैन्युफैक्चरिंग के लिए इंसेंटिव देने का फैसला हो या फिर प्रक्रियाओं को सरल बनाने का फैसला हो, ये सब उद्योगों के लिए अनुकूल वातावरण बनाने में सहायक सिद्ध हो रहे हैं। बरसों से जो जीएसटी अटका हुआ था उसने देश को टैक्स के जाल से मुक्त किया है और इसका भी फायदा उद्योग जगत को हुआ है। बीते वर्ष देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कदम और उठाया पाया गया है। पब्लिक प्रोक्योरमेंट प्रेफरेंस टू मेक इन इंडिया आदेश के द्वारा सरकार के तमाम विभागों और संस्थानों में खरीदी जा रही वस्तुओं और सेवाओं के डोमेस्टिक सोर्स से खरीदने पर बल दिया जा रहा है, मेड इन इंडिया को बल दिया जा रहा है। इस आदेश का लाभ देश के लघु उद्योगों को भी मिल रहा है। पिछले एक वर्ष में यहां योगी जी के नेतृत्व में जो परिवर्तन आया, नीतियां बनी, अपराध पर नियंत्रण हुआ, उससे यूपी को डबल लाभ हुआ है। साथियों, भाजपा सरकार होलिस्टिक विजन इंक्लूसिव एक्शन, होलिस्टिक विजन एंड इंक्लूसिव एक्शन इस अप्रोच पर काम कर रही है। इस मंच से मैं यहां मौजूद उद्योग जगत के सभी साथियों, आप सभी को और तमाम निवेशकों को भरोसा दिलाना चाहता हूं, प्रगति की हमारी ये जो दौड़ है ना, मेरे लिए तो ये एक शुरुआत है, अभी बहुत दौड़ना बाकी है, तेज गति से दौड़ना है। आप राष्ट्र निर्माण की एक महत्वपूर्ण इकाई है और आपके संकल्प देश के करोड़ों नौजवानों को सपनों से भी जुड़े हुए हैं। इन सपनों को साकार करने के लिए जो भी फैसले लेने पड़ेंगे वो भविष्य में भी पूरी मजबूती के साथ लेने का हम में इरादा भी है, ताकत भी है। जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हमारे बड़े प्रोजेक्ट तैयार होते जाएंगे, देश में बिजनेस करना और ज्यादा आसान होने वाला है। खासकर लॉजिस्टिक्स पर होने वाला खर्च बहुत कम होने वाला है। नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर से सामान्य जन के साथ साथ उद्योग जगत को भी बहुत लाभ होने वाला है। साथियों, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूपी में बहुत संभावनाएं हैं।
यहां के एमएसएमई सेक्टर को भी आने वाले समय में इस नए इंफ्रास्ट्रक्चर का लाभ मिलने वाला है। यहां के छोटे व्यापारियों, छोटे और मझले उद्यमियों से मेरा आग्रह है कि जो अब भी कैश से कारोबार कर रहे हैं वो डिजिटल लेनदेन की तरफ जरा आगे आए। साथियों, स्थायी विकास और सतत प्रयास ही 125 करोड़ हिंदुस्तानियों के सपनों को साकार करने वाला है। स्थायी विकास की जब हम बात करते हैं तब बिजली की व्यवस्था इसका एक बहुत अहम हिस्सा है। सस्ती और निरंतर बिजली सामान्य जीवन की भी मूलभूत आवश्यकता है, तो कृषि और उद्योग के लिए भी बिजली उतनी ही अनिवार्य है और इसलिए बिजली पर इस सरकार का बहुत बड़ा फोकस है। आज पारंपरिक एनर्जी से देश ग्रीन एनर्जी की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। विशेष तौर पर सोलर एनर्जी पर सरकार विशेष ध्यान दे रही है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस के हमारे इनिशिएटिव को आज दुनिया भर में समर्थन मिल रहा है। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भी यूपी बहुत बड़ा हब बनने वाला है। मिर्जापुर में ही कुछ महीने पहले एक बहुत बड़े प्लांट का उद्घाटन किया गया था, आज एक और प्लांट का शिलान्यास यहां किया गया है। भाइयों और बहनों, आज भारत ही नहीं अफ्रीका समेत दुनिया के अनेक विकासशील देशों को सोलार टेक्नोलॉजी, सोलार पंप जैसी मशीनों की आवश्यकता है। मेरा आप सभी से भी आग्रह है कि ग्रीन और क्लीन एनर्जी के क्षेत्र में भारत में बन रहे अभूतपूर्व माहौल और वैश्विक परिस्थितियों का लाभ उठाने के लिए हमारे उद्योग जगत के सब साथी आगे आए। साथियों, बिजली उत्पादन से लेकर घर घर तक बिजली पहुंचाने का काम आज अभूतपूर्व गति से आगे बढ़ रहा है। 2013-14 में जहां हमारा एनर्जी डेफिसिट 4.2% था, 13-14 में हमारा एनर्जी डेफिसिट 4.2% था, 4 साल के भीतर भीतर आज हमारी डेफिसिट 1% से भी कम हो गई है। जो कोयले का नाम सुनते ही देश में जो कोयला कभी कालिक का कारण बना था वो आज रिकॉर्ड स्तर पर पैदा हो रहा है। आज कोयले की कमी चलते पावर ग्रिड फेल नहीं होते हैं। इतना ही नहीं, बिजली के क्षेत्र में जो भी रिफॉर्म्स किए गए हैं उनसे देश और देश के सामान्य जन के हजारों करोड़ रुपयों की बचत हुई है। उदय योजना ने डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को नई लाइफलाइन दी है। उजाला के तहत घर घर में जो एलईडी बल्ब लगाए गए उससे 3 वर्षों के दौरान बिजली के बिल में करीब, और ये मेरे खास करके मध्यम वर्गीय परिवार जो बिजली के उपभोक्ता है, नगर पालिका महानगर पालिका जो स्ट्रीट लाइट की बिजली का बिल भरते हैं, बिजली के बिल में पिछले 3 साल में 50,000 करोड़ रुपए की बचत हुई है। 50,000 करोड़ रुपए, और यही 50,000 करोड़ की कोई रियायत मोदी ने घोषित की होती तो शायद सप्ताह भर हेडलाइन बनी रहती, वाह वाह मोदी वाह वाह। हमने योजना ऐसी बनाई कि लोगों की जेब में 50,000 करोड़ रुपया बचे हैं। देश कैसे बदल रहा है, जब साफ नियत से काम होता है तो इसी तरह सही विकास भी होता है। साथियों, आज देश में बिजली की उपलब्धता बहुत आसान हुई है। वर्ल्ड बैंक की ईज ऑफ गेटिंग इलेक्ट्रिसिटी रैंकिंग में भारत ने बीते 4 वर्षों में लगभग 82 अंक की छलांग लगाई है, इतना इंप्रूवमेंट हुआ है।
आज देश के हर गांव तक बिजली पहुंचाई जा चुकी है। अगले वर्ष मार्च तक हर घर तक बिजली पहुंचाने का लक्ष्य लेकर के हम तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। मैं कभी कभी हैरान हूं, कुछ लोग हमारे पीछे पड़ जाते हैं, हम कुछ कहें कि ऐसा किया तो बस वो लग जाते हैं, नहीं नहीं किया। लेकिन जो लोग मोदी की आलोचना करते हैं वो लिख रखे हैं, आप जब मोदी की आलोचना करने के लिए चीजें खोज रहे हो वो 70 साल से बाकी पड़ी थी, निकलेगी तो वो ही निकलेगी। मेरे खाते में 4 साल है, औरों के खाते में 70 साल है। इसके बाद लक्ष्य देश को निर्बाध बिजली देने का भी है। इसके लिए ट्रांसमिशन के नेटवर्क को मजबूत किया जा रहा है। आज जो घाटमपुर हापुड़ ट्रांसमिशन लाइन का शिलान्यास किया गया है वो इसी योजना का हिस्सा है। यूपी में पहले की सरकारों के दौरान जिस तरह ट्रांसमिशन की व्यवस्था जर्जर हो गई थी, उसमें नए प्राण फूंकने के लिए योगी जी की सरकार को पूरा प्रोत्साहन दिया जा रहा है। साथियों, यूपी के लखनऊ के लंबे समय तक सांसद रहे और हमारे श्रद्धेय देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते रहते हैं कि वो ऐसा भारत देखना चाहते हैं जो समृद्ध हो, सक्षम हो और संवेदनशील हो, जहां गांव और शहरों के बीच खाई ना हो, जहां केंद्र और राज्य में श्रम और पूंजी में, प्रशासन और नागरिक में गैप न हो। अटल जी ने ना सिर्फ सपना देखा बल्कि इसको साकार करने के लिए उनका रेड रोड मैप भी स्पष्ट था। अटल जी ने कभी कहा था, सड़कें हाथों की लकीरों की तरह हैं, ये भारत की नियति को तय करने वाली है। इसी सोच का परिणाम है कि उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस किया। अटल जी की सोच को 21वीं सदी की आवश्यकताओं के मुताबिक नेक्स्ट लेवल पर ले जाने का प्रयास हम पूरी ताकत से कर रहे हैं। यूपी में पूर्वांचल एक्सप्रेस जैसे देश के सबसे बड़े एक्सप्रेस हो, बुंदेलखंड में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की स्थापना हो, ऐसे तमाम प्रोजेक्ट को तेजी से पूरा करने की कोशिश की जा रही है। साथियों, विश्व में कहीं भी कोई भी बेस्ट प्रैक्टिस, कोई भी बेहतर सुविधा उपलब्ध है तो उसको अपने युवा साथियों तक, 125 करोड़ देशवासियों तक पहुंचाने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। कोटि कोटि जन आकांक्षाओं को जन भागीदारी से पूरा करना ही यह हमारा रास्ता है, न्यू इंडिया का रोडमैप है। उत्तर प्रदेश के लिए, देश के लिए आप सभी जो कर रहे हैं उसके लिए मैं आपको हृदय से बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। मैं पिछले दो महीने पहले मुंबई गया था तो मैंने मुंबई में उद्योग जगत के लोगों को बुलाया था, और लोग बुलाते हैं लेकिन बताने की हिम्मत नहीं करते। मैंने बुलाया था और मैंने उनके सामने प्रेजेंटेशन दिया कि आप इतने बड़े धनी लोग हैं, इतने बड़े उद्योग चलाते हैं, इतने कारोबार करते हैं, लेकिन हमारे देश में ये जो उद्योग जगत है पूरा, इतना बड़ा विश्व है, उसका एग्रीकल्चर सेक्टर में कॉरपोरेट वर्ल्ड का इन्वेस्टमेंट सिर्फ 1% है, जो दुनिया के किसी देश में इतना कम नहीं होता है। और मैंने उनसे आधा दिन लगाया था कि हमारे कॉरपोरेट वर्ल्ड का इन्वेस्टमेंट एग्रीकल्चर में कैसे है, और ये 1% में भी क्या होता है, ट्रैक्टर बनाने वाले या यूरिया बनाने वाले वही ज्यादा है, प्रत्यक्ष किसान को लाभ हो। और मैंने उद्योग जगत के लोगों को आग्रह भी किया है, विषय भी समझाए हैं, वैल्यू एडिशन कैसे हो, एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी कैसे आए, वेयर हाउसिंग, कोल्ड स्टोरेज, पैकेजिंग, कई ऐसे विषय हैं जो हमारे कृषि उत्पादकों को बहुत लाभ पहुंचा सकते हैं।
और उस दिशा में काम करने के लिए मैंने देश के उद्योगकारों को विशेष आग्रह किया है कि आप अपने यहां एक छोटी सी ब्रेन स्टॉर्मिंग टीम बनाइए, एक टीम गठित कीजिए, इस क्षेत्र में क्या काम कर सकते हैं सोचिए। देश के कृषि जगत में जितना कॉरपोरेट इन्वेस्टमेंट हम ला पाएंगे, हमारे किसान की ताकत जो पैदावार, कभी कभी तो हमारी पैदावार इतनी नष्ट हो जाती है, जैसा अभी सूरी जी बता रहे थे कि अब हम हमारे देश में जो फल पैदा होते हैं उसी के पल्प में से जूस बना करके बेचने का हमने निर्णय किया, मतलब किसान को लाभ होने वाला है और जो जूस पीने वाला है वो भी मजबूत होगा, और वो मजबूत होगा तो देश भी मजबूत होगा। कहने का मेरा तात्पर्य है कि हमें ग्रामीण जीवन के साथ हमारे इन उद्योगों को कैसे ले जाएं, छोटी छोटी चीजें ग्रामीण जीवन में कैसे ले जाएं, ये आने वाले जिंदगियों में बहुत आवश्यक है और उस पर मैं बल दे रहा हूं, सबसे मैं बात कर रहा हूं, मुझे विश्वास है कि उसका भी परिणाम मिलेगा। और मुझे विश्वास ये भी है कि आज इस प्रकार 60,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट जमीन पर उतरे हैं, बाकी के संकल्प भी, जैसे योगी जी कह रहे थे कि 50,000 करोड़ का काम तो करीब करीब पूर्णता पर है, मुझे विश्वास है कि अपने आप में एक बहुत बड़ा काम आपने किया है, पूरी टीम आपकी फिर से एक बार बधाई के पात्र हो, और मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, और उत्तर प्रदेश के एमपी के नाते भी उत्तर प्रदेश की विकास की खबरें मुझे और खुशी देती हैं, और मेरा दायित्व भी बनता है, उत्तर प्रदेश के लोगों का मुख पर हक भी बनता है, और इसलिए मैं 2 बार आऊं 5 बार आऊं 15 बार आऊं आप ही का हूं, मैं आता नहीं हूं, यहीं आप ही का हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। कोटि कोटि धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी, अपनत्व से भरे हुए इस संबोधन के लिए, उत्तर प्रदेश की आराध्य भूमि को औद्योगिक उजाला देने के लिए, विकास। नए निवेश की ये नई शुरुआत है, प्रदेश के उज्जवल भविष्य के लिए प्रगति के पथ पर एक बड़ा कदम है।